आज हम बनाएंगे एकदम पतली सी शंकरपारी। और जाड़ी वाली हमने पहला बना कर ले रहे थे। और उसके लिए मैदे का आटा और शक्कर, दूध, तेल, और सिर्फ चार ही चीज़ों में इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है। और ये जो दिवाली में बहुत ज़्यादा बनाते हैं उसके लिए इतनी आसान आप ज़रूर बना सकते हो। एक कटोरी भरकर मैदा, ये शक्कर बहुत जारी है, इसको हम थोड़ा सा पीस कर लेंगे मिक्सी। शक्कर मैंने पीस कर ले ली, इसको डाल कर लेंगे। तेल, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको आटे को गूंद कर लेंगे। और इसमें हम हर थोड़ा डाल कर लेंगे। और आटे को हम अच्छी तरह नरम कर कर गूंद कर लेंगे। एकदम पतली शंकरपाड़ी इसको बना कर लेंगे। पहला हम बनाए थे जाड़ी वाली, अब पतली वाली बना कर लेंगे। यह होगा, इसको हम रखेंगे 5 मिनट तक नरम होने के लिए। नरम होने के बाद जब हम बनाना शुरू करेंगे। चलो, इसको हो गए 5 मिनट। अब हम इसको अच्छे से नरम हो गया है ये, इसको हम चलो बनाना शुरू करेंगे। इसको हम दो बना कर लेंगे इसमें पेड़े। अब इसको ऐसा गोल गोल करके अच्छे से हम जो पेड़े को अच्छी तरह से मसल मसल कर इसको गोल गोल एकदम ऐसा बना कर लेंगे। इसको ऐसा उठा उठा कर बेल कर लेंगे। एकदम पतली पतली शंकरपाड़ी बनाएंगे। पहला हमने बनाए थे जाड़ी वाली, अब एकदम पतली से चाय में खाने वाली। बस हम अब बना कर लेंगे। ये साइज के हम शंकरपाड़ी को काट कर लेंगे। ये हो गए हैं, इसको हटा कर लेंगे हम। आजू और बाजू को इसको भी हटाएंगे और इसको भी हटा कर लेंगे हम। इसका एकदम शेप अच्छे से आता है। इस साइज के हम शंकरपाड़ी को काट कर लेंगे। इसी तरह पूरे शंकरपाड़ी को हम बना कर लेंगे। इसको हम ऐसा छुरी से निकाल कर ले दो, जल्दी से अच्छे से पूरे निकल जाते हैं। पूरा अपना गर्म हो गया है, इसमें हम छोड़ेंगे शंकरपाड़ी को एकदम स्लो आंच पर, तेज आंच पर नहीं, तेज आंच पर, क्योंकि ऊपर से पक जाते हैं अंदर से पूरे ऐसे ही रहते हैं ये। उसके लिए हम स्लो आंच पर पकने से एकदम पूरे क्रम क्रम अच्छे से तले जाते हैं। उसको हम पलटा कर लेंगे। ये
वाला भी है, इसको भी हम बेल कर लेंगे। ये बाजू वाला आजू बाजू का पूरा टूट गया तो इसको टेंशन लेने का नहीं है, पूरा हम इसको बेल कर ऐसा ही लेने का, उसको बाद में हमको निकालने का अच्छा है। ये हो गया, हम इसको निकाल कर लेंगे। पूरे हो गए हैं, अब इसको हम तल कर लेंगे इसको भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम बना रहे हैं एकदम पतली सी शंकरपाड़ी की रेसिपी। पूरी रेसिपी देख लो, आधी बन गई है और आधी बनने का है। चलो हम वो तक कंप्लीट करेंगे। जो इसको ऐसे जो जुड़े हुए हैं इसको हम ऐसा तोड़ कर लेंगे, और गर्म बहुत है अभी, जैसा ठंडे होते हैं वैसा एकदम कुरकुरे बनते हैं, गरम गरम कुरकुरे नहीं रहते हैं वो, जैसा ठंडे होते हैं एकदम कुरकुरे से बनते हैं। आप भी ज़रूर बनाइए, दिवाली में बहुत ज़्यादा इसका खाने का बहुत ज़्यादा रहता है जो तला हुआ। और हो गई रेसिपी इतनी आसान, सिर्फ चार चीज़ों में बनने वाली है। आप भी ज़रूर बनाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।